हेलो फ्रेंड्स, जोबियाज किचन में आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल फिश फ्राई। ये बनने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही जायकेदार लगती है। इसे बनाने के लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसे बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पर 1 किलो फिश, जो कि अच्छे से वॉश करके मैंने 10-15 मिनट के लिए छलनी में रख दी थी ताकि इसका पानी अच्छे से निचुड़ जाए। और इसके साथ ही लिया है 2 छोटे चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच मैदा, और यहाँ पर मसालों में लिया है हल्दी, धनिया, मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट। ये ली है कसूरी मेथी, जिसे हमने तवे पर रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया है। और ये लिया है साथ में थोड़ा गर्म मसाला, नमक, चाट मसाला पाउडर, थोड़ी दही और 1 बड़ा लेमन का जूस। आइए हम इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हम सबसे पहले फिश में डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक और ओनियन का पेस्ट। इसमें यहाँ पर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून ही हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, क्योंकि हमें चाट मसाला भी डालना है जिसमें कि खुद सॉल्ट थोड़ा होता है। और धनिया पाउडर हम यहाँ पर बहुत ही कमी के साथ डालेंगे, बस इतना सा। इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला पाउडर, और ये हमने लिया है गरम मसाला, ये भी 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून मेथी पाउडर, जिसको कि हमने रोस्ट करके सूखी मेथी को पीस लिया है। और इस पर अब ये डालेंगे 1 टीस्पून मैदा और 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम डाल रहे हैं बेसन। इसको डालने के बाद हम इस पर डालेंगे ये 1 बड़े लेमन का जूस, और साथ में हमने जो कर्ड ली है उसको अच्छे से हमने फेंट लिया था, इसमें 2 टीस्पून ये कर्ड ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को डालकर अब हम इसको हाथ की मदद से ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपका मसाला सारे पीस पर अच्छे से लग जाना चाहिए, इस तरह फिंगर से आप इसको लगाएंगे। और ऐसे करने के बाद आप इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। इसको आप कम से कम आधा घंटा, और अगर उससे ज़्यादा टाइम हो आपके पास तो 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसको ढककर छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से मैरिनेट हो गई, मिक्स हो गई है। अब हम इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे मसाले यहाँ पर अच्छे से इन पर लग गया है, और मैंने यहाँ पर हल्का ही मसाला डाला है ताकि इसको बच्चे भी इजीली खा सकें। अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से मसालों की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। आइए अब इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं 1/2 से 1 घंटे के लिए। ये देखिए, ये हमारी फ़िश 1 घंटे में बिल्कुल मैरिनेट हो गई अच्छे से। अब हम इनको फ्राई करते हैं, डीप फ्राई हमें इनको करना है। आइए अब हम फिश को फ्राई करना शुरू करते हैं। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, हम ऐसे धीरे धीरे एक एक पीस उठाएंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। इनको हम धीरे धीरे करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन। ये देखिए, ये हमने इनको दोनों साइड से अलग पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लिया है 2-3 मिनट तक। और हमें इनको मीडियम फ्लेम पर ब्राउन करना है ताकि अच्छे से अंदर तक गल जाए और कच्चा ना लगे। ये अच्छे से हो गई है और हम इनको निकालते हैं।
ये देखिए ये रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश फ्राई बनकर हमारी एकदम तैयार है और कितने कम टाइम में ये बन गई है। इसे आप बिरयानी, मटर पुलाव या सिंपल ऐसे ही बना सकते हैं और किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसे आप ज़रूर से बनाइए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।